अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो मामला ज़ेर बहस आए उसमें मौशी मामला ज़्यादा रहे। बहुत सारे देखने वाले पैगाम भेज रहे हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जो सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से लोग जो है वो अपने पैगाम भेजते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे मामला ज़ेर बहस आएँ और अवामी मसाइल की तरफ जो है तवज्जो दिलाई जाए। तो कोशिश हमारी हमेशा से यही रही है कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। साथ साथ बात होती है कुछ नफसियाती मसाइल के हवाले से भी। अब मुशरे में जिस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, उसको देखकर लगता ये है कि हम शायद किसी शदीद नफसियाती बीमारी का शिकार हैं। और ऐसा क्यों है? ये सियालकोट में जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया, इससे पहले मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं और एक नई बहस का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। बार बार ये बात होती है कि जहाँ पर जज़ा और सज़ा का कानून वज़ा किया जाए, जहाँ इंसाफ से फैसले हो रहे हों, क्या ऐसे माशरों में इस तरह के वाक़यात होते हैं? और इस मामले के बाद हमने क्या करना है, सोचने की ज़रूरत है। किस तरह जहन साजी की जाए, कैसे इस पुरतशद्दुद माहौल से खुद को आज़ाद किया जाए, कैसे बर्दाश्त का मादा पैदा किया जाए, ये सबसे अहम और एक बुनियादी सवाल इस वक्त है। कोशिश करेंगे इस मामले पर आज गुफ्तगू करें, क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं और हमें आज मौका मिलेगा खुलकर इस हवाले से उनसे बात की जाए। बिला ताखीर मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहूँगा। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ऐसे लोगों का साथ है जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, खुलकर बात करने का मौका मिलता है और सबसे अहम बात ये कि सच बोलने का मौका मिलता है। तो जनाब, सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं मुबशिर मीर साहब, हमारे बड़े ख़ास हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं और उनसे जब भी हमारी गुफ्तगू होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है जिसके बारे में कम बात होती है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। मीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, जब भी कराची तशरीफ लाते हैं हमारी कोशिश होती है कि उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स, अगर अचीवमेंट्स का मैं यहाँ तस्करा करने लगूँ तो शायद प्रोग्राम जो है मेरा ख़त्म हो जाए। तहकीक के शोबे में बहुत ज़्यादा काम किया है और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो रवायती तालीमी निज़ाम है इसमें तब्दीली लाई जा सके। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मीर साहब, मसाइल बहुत सारे हैं, सवालात बहुत सारे हैं, ये जो नफसियाती मसाइल हैं, पहले चाहूँगा इसके हवाले से थोड़ी सी लबकुशाई की जाए कि ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, बार बार निशानदेही की जा रही है कि ये गलती हमसे हो रही है, ना हमारे अंदर अब सब्र का मादा रह गया है, ना बर्दाश्त का मादा रह गया है। और जो अमूमी इस वक्त हालात हैं उनको देखते हुए इसका तकाजा किसी से नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी इतना ज़्यादा नफसियाती दबाव का शिकार हो चुका है कि इस तरह के वाकयात होना अब जो है वो कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आती। मैं चाहूँगा इस हवाले से ज़रा कलाम कीजिए। इंतहाई सेंसिटिव इशू है और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की सोसाइटी को हम डिस्कस करते हैं और दुनिया भर में जो है वो इसके ऊपर जब बात होती है जी कि ये मुल्क वो है जिसकी अब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, ये हमारी एक स्ट्रेंथ के तौर पर होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें ये वीकनेस नज़र आनी शुरू हो गई है। उसकी वजह क्या है कि अब देखें, दोनों चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि तालीम भी होती है और तरबियत भी होती है। अच्छा, आगाज़ तो हमारा सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ी एकेडमी है हर इंसान की, वो उसका घर है, बिल्कुल ठीक है, और माँ है जो उसकी पहली एक तरह की अतालीक होती है, ठीक है, और जहाँ से वो सीखना शुरू करता है, जहाँ से वो उठना, उसकी शख्सियत साजी होना शुरू होती है, ठीक है। तो ये है कि वो जुमला तो हम सब बहुत दफ़ा बोल चुके हैं कि अच्छी माएँ दो, अच्छी कौम लो, ठीक है, लेकिन इस पे क्या हम कितना अमल कर पाते हैं, बात वो है। तो वहाँ से मेरा ख्याल है अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो पहले तो हमें अपने घरों के अंदर का माहौल देखना होगा कि वहाँ पे हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, वहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस वक्त
आज का जो दौर है वो इंसान के साथ वो डिवाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर घर में जितने इंसान हैं उतनी उतनी ही डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस हैं। और कितना इंटरेक्शन फैमिली मेंबर्स के दरमियान होता है और किस लेवल पे होता है, और वो हर, ये नहीं कि ये अमीर घरानों में हो रहा है, नॉर्मल घरानों में भी इसी तरह की सूरत हाल है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें। फिर उसके बाद बच्चा मुआशरे में निकलता है तो गली मोहल्ला है, उसका शहर है, उसका गांव है, उसका कस्बा है, बिल्कुल ठीक तो है वहाँ पे क्या वो देखता है, तो उसकी शख्सियत में कुछ और ऐड हो जाता है। फिर उसे जब स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी तक वो चलता है, तो ये सारा अमल उसकी तरबियत का है, बिल्कुल ठीक तो ये करते करते वो जवान होता है। और जो वाकयात इस तरह के जो तशद्दुद के साथ हो रहा है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, रात को मेरी बात हो रही थी, हमारी एक कॉलीग रही हैं, हमने इकट्ठा एक प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किया था चाइना में, श्रीलंका में है, तो मैंने उनसे बात कर रहा था कि वहाँ पे किस तरह लोग सोच रहे हैं इस सियालकोट के वाकये को। बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की उन्होंने कि हम जानते हैं कि ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया, ये चांद एक्सट्रीमिस्ट ने किया है। तो देखिए कितना, और एक जुमला, एक ट्वीट मैंने एक श्रीलंकन का देखा जो एक अखबार के एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि ये लोग एक्सट्रीमिज्म से अपने मजहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा जुमला मुझे जी वो स्ट्राइक कर गया कि कौन सा ऐसा मजहब है कि जो जिसको आप तशद्दत के साथ जो है वो बचाने की कोशिश बचाने की कर रहे हैं। कोशिश कर तो लिहाजा क्या है कि एक और बात जो नफसियाती आपने बात की है, जो एज होती है 16-17 साल की शख्सियत, उस वक्त जो है ना थॉट्स बहुत सारे बंदे को क्लियर करने होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा इल्ज़ाम दूंगा या उनको कहूंगा कि उनके लिए चैलेंज है, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, कि क्या वो इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं रिलीजन मेरी की, राय खास तौर पे जो वो आयात की तशरीह करते हैं, फिर साथ हदीसों का हवाला देते हवाला हैं, देते हैं। और फिर तीसरी बात यह है कि हमने ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया कि जो ज़ईफ़ किस्म की रवायात और ज़ईफ़ किस्म की हदीस को अलग-अलग कर दिया जाए, और जो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकती हैं उनको हम सेट कर लें। सेट हमारे कर पास एक इंस्टीट्यूशन वैसे तो है, इस्लामी नज़रियाती नजरियाती कौंसल, कौंसल, बिल्कुल जो वफाकी हुकूमत को जो है वो उसमें उसकी जिम्मेदारी है, और वो कैबिनेट को, पार्लियामेंट को सपोर्ट करने के लिए एक थिंक टैंक है। जी अच्छा, एक उनकी बात तो कोई सुनता भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही उनके इतने फैसले हैं, उनको आज तक किसी ने जो है ना वो रिकमेंड करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं ऐसा की, ही है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, अब बिल्कुल मैं ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसमें, उसको फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, कि मसलन आप देखें कि कुछ लोग जो हैं, मैंने कुछ उलमा से ये बात की थी एक नशिस्त में, ठीक है, तो मैंने कहा जी मुझे एक चीज़ बताएं, वादतुल मुस्लिमीन पे गुफ्तगू हो रही थी, बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा जी मुझे ये फरमा दें आप कि जो एक हदीस है कि मेरी उम्मत के, रसूल पाक से मंसूब है बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि भाई मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे बिल्कुल ठीक। और एक जो है वो नजात पाएगा, बाकी नजात नहीं नहीं पाएंगे, पाएंगे। और फिर ये है कि आप ही लोग फरमाते हैं कि एक हदीस ये भी है कि रसूल पाक ने कहा कि मैं जब मेराज शरीफ पे गया तो मैंने उम्मत बख्शवा ली, ठीक जी है, बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा अगर तो सारी उम्मत बख्श चुकी बख्श है, चुकी है, बिल्कुल ठीक ठीक है, है, तो फिर एक का नजात पाना और बाकियों का नजात ना पाना क्या माने रखता है? बिल्कुल ठीक तो है। इस दोनों में आप मुझे जो है ना जरा वजाहत फरमा दें। बहुत खूब। तो दोनों जितने उलमा बैठे थे उस वक्त उस नशिस्त में, 8 थे या 10 थे, उनमें से आधे एक पे मुत्तफिक हो गए, आधे एक पे हो गए, बिल्कुल ठीक है। और मौजू था उस बहुत महफिल खूब। का वादतुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ठीक बिल्कुल है। ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो तशरीह है कि मसलन अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत बख्शवा ली है, तो फिर तो समझ लें सारे बख्शे हुए हैं बिल्कुल ठीक अगर है। उसको हम तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अमले सवाले करते हैं बहुत खूब वही निजात पाएंगे, ऐसा ही। जो और जो सारे लोग जो हैं वो, जो आप ये तो नहीं आप कह सकते कि कोई क्लीन चिट तो बहुत किसी को भी मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही अपनी उम्मत के अंदर फिरकों की बात करके जाएं? जी ये भी कोई बिल्कुल लॉजिकली नहीं बिल्कुल बनता। ठीक बिल्कुल तो ठीक। लिहाजा अच्छा, फिर जो नजात पाएंगे वो एक होगा, तो बाकी लोग सबको फिर वो काफरी कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो होगा लिहाजा हमारी जो तशरीह है जी। कुरान पाक की, कुरान पाक की और अहादीसे मुबारका की, उसके अंदर जो मुस्लिम स्कॉलर्स की जो है ना क्लैरिटी,
वो हमारे नौजवानों के लिए जो है वो एक मसला है, बिल्कुल ठीक और है, वो जो चीज़ वहां से अखज करते हैं उनके नारों में वो देखें, बिल्कुल ठीक वो है, चीज़ वो अपने पास से तो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं नहीं किए, किए, बिल्कुल उन्हें ऐसे वहां से वो एक तरह से मिलते हैं, मिलते हैं, फिर वो उसका जो इजहार है उनके पास जब तशद्दुद का मौका आता है, बिल्कुल वो पर्सनल ग्रज हो कुछ हो, वो उसमें फिर वो शामिल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लिहाजा ये जो आपकी शख्सियत और आपकी नफ्सियात जो है वो डेवलप हो रही है उन नजरियात की रोशनी में, बिल्कुल ठीक है, अगर वो क्लैरिटी में आ जाएंगे तो लोगों के अंदर भी जो है वो समझने की सलाहियत बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं दो चीज़ें इसमें समझ पाए हूँ। एक तो ये आपने कहा कि जहाँ से उसका आगाज़ होता है तरबियत का, एक तो सबसे अहम जगह वो है, और जहाँ वो आखिर में पहुँचा है, आखिरी सीढ़ी पर है, वो सबसे अहम। यानी कि लीडरशिप का भी उतना ही किरदार है जितना उसके घर में रहने वालों घर का, और वालों खास को तौर पर उसकी माँ का किरदार है। तो ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये फरमाइएगा कि आप तो पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में आपका रहने का इत्तेफाक हुआ है, ये महजब माशरों की मिसाल क्या दी जाती है? कैसे पता चलता है कि ये माशरा महजब है या महजब कहलवाने के काबिल है या लायक है? कैसे इस चीज़ का तदारुक होता है, ज़रा ये फरमाइए। देखें, अभी बात हो रही थी साइकोलॉजी की या साइकी की बात आप जी कर रहे जी थे। मेरा ख्याल कि मैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट ये समझता हूँ, इकोनॉमिक्स हर जगह इन्वॉल्व है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हर है ना। जगह, वो चाहे पॉलिटिक्स हो आपकी, हर वो जगह चाहे वो साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स हो, या जो सोसाइटी की वो साइकोलॉजिकल जी। पर बात करते हैं, वो बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल दिया करते हैं। एक बंदे को मैंने रोते देखा, बड़ा वो दाढ़े मार मार कर रो रहा था। तो उसको किसी ने पूछा, यार क्या वजह तुम इतना चीख चला के रहे हो? वो कहता, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आज मेरा इंटरव्यू था, और मेरे साथ एक मेरे कुलीग का इंटरव्यू था। तो उसने पूछा, तो फिर कहे दोनों का इंटरव्यू अच्छा हुआ, उसकी प्रमोशन हो गई। तो कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए, चलो कम से कम तुम्हारा दोस्त जो आगे बढ़ा। कहता, नहीं, इसी चीज़ का दुख है मुझे, ये दुख नहीं है कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई, नहीं हुई है, मुझे दुख ये है कि उसकी प्रमोशन उसी क्यों प्रमोशन हो क्यों गई, हो गई है, बिल्कुल ठीक उसने क्यों गलत इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी प्रिवेल करती हैं। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा पीछे करें, मैं जी आगे वो जी इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, उस पर आ जाते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि महजब माशरा जो है उसको हम लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर बाहर जाते हैं आपको वो चीज़ें देख के आप कह सकते हैं, हाँ यार ये सोसाइटी ये बड़ी सिविलाइज्ड है। मैंने टर्की में भी काम किया है, मैंने फ्रांस में भी काम किया है, यूके में भी काम किया है, जी मैंने मैंने चाइना में भी काम किया है। तो दो मुल्कों में मुझे काम करने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आया, वो एक टर्की में और एक इसमें चाइना में। मतलब फ्रांस का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे करियर के अंदर वो एक, जैसे कहते हैं, टर्निंग पॉइंट जो है, एक यू टर्न है, मैं टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वो टर्निंग पॉइंट गैर रहा है पार्लिमानी हो गया यू टर्न वो ड्यूरेशन जो है। जी चाइना में मैंने देखा है कि वो उनका जो लीडर है, क्योंकि ये जो अब सिविलाइजेशन की बात करें, महजब माशरे की बात करते, उसमें लीडरशिप का होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। जरूरी होता है, बिल्कुल ऐसे उन ही, लोगों को मैंने देखा है, एक तो मैक्रो लेवल पे उनके टारगेट्स हैं, ठीक है जी, फिर उनका मैक्रो से अब नीचे आ जाए, जो प्रोविंशियल लेवल है उसके टारगेट्स हैं, फिर सिटी लेवल के टारगेट्स हैं, फिर उनके काउंसिल लेवल के टारगेट्स हैं, फिर पर्सनल टारगेट्स हैं, जी ठीक है जी। वो अपने आप को जब भी कंपेयर करना होता है, वो अमेरिका से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल ठीक है हमने जब भी कंपेयर करना होता है, हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, हम श्रीलंका से कंपेयर करते हैं, जी, यहाँ बड़ी बात करते हैं, हम रीजन की बात कर देते बिल्कुल हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि हमारी सोच जो है वो कहाँ पे है, उनकी सोच है वो कहाँ पे है। बिल्कुल तो ठीक है, यहीं से आप अंदाज़ा कर लें क्या वाकई हम महजब मुआशरा कहलाने के लायक हैं या वो महजब मुआशरा कहलाने के लायक हैं। बिल्कुल ठीक है, आप टर्की में आ जाएं, टर्की में जाने वाला जो, चूंकि जाहिर सी बात है हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं उसको देखते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो एक आम आदमी जब वो वहाँ जाता है, उसको बड़ा मज़ा आता है चीज़ें देखने में, कि बिल्कुल लोग ये ठीक है, कैसे, इनका बात करने का स्टाइल है, खाने का स्टाइल है। वैसे हमने जानवर वो बड़े ज़्यादा पैसे हम खर्च करते हैं जूतों के ऊपर, बड़े ज़्यादा वो टाई पता नहीं क्या जी क्या जी वो जी जी टू पीस थ्री पीस पहनते हैं, लेकिन हम खाने की मेज़ के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ना शुरू कर और देते मैं हैं, अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आपने जब भी किसी बंदे की तहजीब चेक करनी चेक हो, करनी अब खाने की मेज़ के ऊपर जाकर उसको देखेंगे, वो पता चल जाए वो कितना पढ़ा लिखा है बिल्कुल और ऐसा ही कितनी ज़्यादा चीज़ें। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, जी, बिल्कुल जिससे आपका मुआशरा जो है उसकी अक्कासी होती है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल अब आ जाएं दूसरी तरफ, जैसे वो सियालकोट के वाकई की बात कर रहे थे, उसमें मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो मेरी माशाल्लाह वो मेरी सुपरवाइज़र थी, वो सारा बनाया उन्हीं का ही है, अमतर रहमान चौधरी साहबा, उनका सब्जेक्ट जो था ना वो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स था। उसमें वो अक्सर हम लोग जब पॉपुलेशन थ्योरी की बात आती थी, तो उसमें हम ये चीज़ पढ़ते थे कि जब यूथ का पोर्शन पॉपुलेशन में ज़्यादा हो जाए, तो अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये पॉपुलेशन डिविडेंड है, उससे मतलब आप बेनिफिट लेंगे। बेनिफिट लेकिन लेंगे, जब उसका इस्तेमाल आप ठीक ना करें,
तो फिर वही पॉपुलेशन जो डेविडेंट होता है वो आपके लिए बम बन जाता है। बिल्कुल ये सियालकोट का वाकई बड़ा छोटा सा है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, जी। आप आगे देखें चीजें कैसे आपकी चलती हैं, और बड़ी खतरनाक सिचुएशन में देख रहा हूँ। वजह बिल्कुल बात है कि ठीक है, लाड मिकाले का ये कॉल था कि मुझे अच्छी माएं दें तो मैं आपको अच्छी कौम देता हूँ। अब ये चीजें रिवर्स हो गई हैं, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान के पास अगर 52% सॉरी यूथ पॉपुलेशन जो है उसका पोर्शन ज्यादा है, इस पोर्शन को खराब हमने कैसे करना है। उसमें फीमेल भी हैं जो आज हमारी बहनें हैं, बेटियां, कल को माएं भी बनना है, उसमें हमारे बच्चे भी शामिल है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, माओ को ही खराब कर दो, कौम ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। अब उसको खराब करने का तरीकेकार क्या था, क्योंकि फीमेल जो है उनका मेन रोल घर के अंदर होता है, ऐसा ही। और इसमें भी बिल्कुल दोराहे नहीं है कि हाँ जी, एक फीमेल जो है वो मुआशरा बनाने में उसका बड़ा हाथ होता है, और आजकल हम यही कह रहे हैं कि खवातीन का हिस्सा जो ज्यादा डालें। अब खवातीन घर के अंदर रहती हैं, घर के अंदर किस चीजें ज्यादा अफेक्ट करना, वही आपकी फिल्में, वही आपके टीवी ड्रामे, वही सोशल मीडिया, वही यूट्यूब। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 80-90% पोर्शन जो है वो एंटी सोसाइटी है, ऐसा ही। सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही, वो सोसाइटी को खराब करने के लिए, ऐसा ही। आप बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, जब घर के अंदर गुर्बत हो, जब घर के अंदर बेरोजगारी हो, जब घर के अंदर कोई काम ना हो सिवाय ये नेगेटिविटी जो जो हमारी फैल रही है, मतलब कि मीडिया माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल भी अदा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके हमें जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी हमें देखने की, हमारी हमारी जो घर की जो इकोनॉमी है उसको कैसे खराब किया जा रहा है। आप ये बात करके घर के अंदर डिवाइसेस आ गई, बिल्कुल बात नहीं की, ठीक है डिवाइसेस आ गई। अब तो ये सिचुएशन आ गई है कि लोग शायद अब्बा जी को या अपनी वालदा को बात बताना पसंद नहीं करते, फेसबुक पर चढ़ा देते हैं, चढ़ा देते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये चीजें जो है ये डूएबल है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये परेशान होते हैं। अब ये सानहा जो सियालकोट वाला हुआ है, अब मुझे बताइए कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका जो बयान है, उसी तरफ वो उनका जो बयान है, क्या वो ये हमारी अकल काम करती है कि इस हालत के अंदर उनको ये बयान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये बयान जो है वो हिला देने वाला बयान है। मैंने इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है दोनों मौजूद मेहमानों से, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक ले ली जाए, और ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं जल्दी से, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, एक बड़ा अहम और एक बड़ा हसास मौजू है जो जो कुछ हुआ है सियालकोट में, जो सानिहा हुआ है, यकीनन बहुत सारे लोगों के इल्म में ये आ चुका होगा, क्योंकि आज तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पे ये खबरें जो हैं वो आग की तरह फैल चुकी हैं पूरी दुनिया में, बल्कि इसके बारे में बात हो रही है, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मीर साहब, दो तीन सवाल आता भी यहाँ पर रुकते हैं, क्या पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं? इस सवाल पूछने का मकसद हरगिज ये नहीं है, पहले तो इसकी तसीह हो जाए, कि हम शायद अपना दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने की, क्योंकि गलत को सही साबित करने से हमारा जो है वो दामन साफ नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे क्योंकि ये बात हो रही है कि न्यूजीलैंड में वाकया हुआ, दीगर ममालिक में, इंडिया में तो लातादाद ऐसे वाकयात हो रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, जिसका अभी शायद उनका जो मीडिया है वो नहीं दिखाता, या सोशल मीडिया पे सवाले से बात नहीं हो रही, और इस तरह दुनिया के और भी दीगर मालिक हैं जहां पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो इन वाकयात को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ये सही है या गलत है? पहले तो इसके बारे में बताइए, फिर आगे चल के थोड़ी सी बात होगी, जिस तरह के हमारे बयानात हैं, हम क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक अहम ओहदे पे बैठा हुआ शख्स ये कह के बच्चों ने जज्बात में आके इस तरह का जो है वो काम कर दिया, मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, और मीडिया की जिम्मेदारी है मीडिया जो है वो जहन साजी करे। ये जरा फरमाइए कि दोनों बातें हैं, किस तरह आप देख रहे हैं इसके ऊपर, क्या तजिए? अच्छा, ये चीज है कि बिल्कुल, जैसे पहले भी आपका वो सवाल था डॉक्टर साहब से कि मुअज्जम मुआशरा, जी 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 जी, ये तकरीबन उससे करीब तरीन बात है कि अगर इज्तमाही तौर पर लोग जो है वो वायलेशन कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर महज़ब होने की बात नहीं है, और है। वो यकीनन इंडिया में भी बहुत ज्यादा होते हैं, अफगानिस्तान में भी होते हैं, हो रहे हैं, और भी जगहों पे होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, तो वो तो एक इज्तमाही तौर पर, और फिर यह है कि वो बाज़ दफ़ा झूठ की बुनियाद पे भी हो रहा होता है, तो ठीक है, तो इस रीजन में तो ऐसा देखा गया। तो मैं समझता हूँ कि जो महज़ब होने की एक अलामत तो ये होती है कि जब आप अपनी जात से ऊपर होके सोचते हैं, ठीक है, कि मैं तो हूँ, ठीक है, मुझे अपने बाज दफा जी अपने हकूक छीनने की बात भी आएगी, या हकूक हासिल करने की बात भी आएगी, लेकिन मैं दूसरों के हकूक दिलवाने में कितना एक्टिव हूँ, बहुत अच्छी बात है,
तो ये है सबसे बड़ी मरहले मुअज्जब होने इससे की बात, पहचान होगी कि इससे ये पॉसिबल पहचान है क्या। होगी, जो बिल्कुल जी, इंसानियत भी यही है ना। इंसानियत भी तो तकाजा इसी देखें, पर वो करती है। अगर एक हादसा हुआ है तो मैं खामोशी से गुजर गया हूँ तो वो फिर उसमें मेरे पॉइंट्स कम हो कम हो जाएंगे, जाते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है, मैं अगर उसकी वजूहात या मदद करने की कोशिश करूँ तो फिर मुझे उसका क्रेडिट बिल्कुल मिलता ठीक है। है, बिल्कुल ठीक तो है। लिहाजा वो एक चीज़ तो वो है। दूसरा ये है कि ये जो लीडरशिप होती है ना, जिन्हें हम मेंटोर कहते हैं, जी ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, बिल्कुल ठीक है। ये हुकूमतों में हम इसी तरह ही के लोग हमारे आते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर जो तशद्दुद की बात है ना, और मुआशरे में तशद्दुद, यानी सियासत में या तो मुआशरे में, मौसम में वो बहुत, उसकी वजह जो है ना वो हमारी मौरूसी सियासत का तसलसल है, अच्छा। कि जो अपनी जो छोटी छोटी रियासतें हैं ना, कोई 200-250, जी, ये लोग अपनी रियासत को, यानी कि उस अपनी डोमिनेशन को बचाने के बचाने लिए के लिए, सबसे बड़ा क्राइम करते हैं। ये उस इलाके की पुलिस को कंट्रोल करते हैं, उस इलाके के बाकी जितने गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करे या हक सच की बात करने की बिल्कुल कोशिश ठीक करे, है। उसको भी इसी तरह करते हैं। तो एक तशद्दुद का जो है ना एलिमेंट, आप देखें, डॉक्टर साहब बहुत इंतहाई क्वालिफाइड आदमी है, ये अभी अपने किसी जो भी इनका इलाका है वहां जाएं और कहें कि मैं यहाँ पे MNA का इलेक्शन लड़ने आया हूँ, तो कहेंगे यार ये तो शरीफ आदमी है, ये इलेक्शन क्यों लड़ने आ गया बिल्कुल है। ठीक है, ठीक ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा इधर ही, से हम चले जाएं और 10 गार्ड के साथ चले जाएं, जी एक जी वो अपनी पावर शो करें, लोग कहेंगे हाँ शायद ये हमें बचा लेगा, ऐसा इसके ही पास चले जाएं। इसके पास तो चले जाए। लिहाजा हमने जो वो जो मौरूसी सियासत की मैं जी बात करूं, उन्होंने जो सेट की हुई है ना एग्जाम्पल, पिछले अगर पाकिस्तान से पहले से वो चल रहे हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान बनने के बाद से जो खानदान चल रहे हैं, जी उन्होंने जो एग्जाम्पल अपने अपने इलाके में सेट की हुई है, उसमें लोगों के जेहन में एक चीज समा गई है कि अगर आप इस तरह चलेंगे तो कामयाबी तस्वर की जाएगी राइट और आप आगे तस्वर किए जाएंगे और आप बहुत कुछ दुनिया में हासिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है लिहाजा माइंड सेट जो है उन्होंने, उस रवैयों ने चेंज कर ली। जी। अच्छा, इस चीज को ब्रेक किसने करना था? ब्रेक यकीनन जब आप एक स्टेट की शक्ल में आते तो स्टेट जो है, जो आइन बनाया, स्टेट के आइन पे अमल दरामद हो रहा होता, जी अब वो उनके हाथों में यरगमाल है। लिहाजा जितने एलिमेंट हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उसमें आप देख लें तो एक तो वही सियासतदान है, बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेसी सिविल एंड मिलिट्री, फिर उसके बाद जनाब आपका मजहबी एलिमेंट जी जो जिसके हाथ में अब वेपन भी होता है, मैन ठीक पावर है। भी फ्री की है, फिर अब आपके सजादा नशीन्स, उनकी जी एक जी लंबी लाइन, ठीक है, और भी माशरे के पावरफुल लोग, राइट ठीक है। राइट तो ये सारे जो हैं, इनका जो काम करने का अंदाज है वो माइट इज राइट का ही है। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा जो भी हम गुफ्तगू करेंगे उसमें एक ही चीज आखिर पे आके हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जो ताकत से मनवाने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल ठीक वही मुआशरे को बिगाड़ भी रहा है, वही स्टेट की शक्ल भी खराब कर रहा है। जी मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं कि इराक में बहुत ज्यादा अमेरिका ने वायलेशंस की, जी जी तो जब लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें मोस्टली मुस्लिम तंजीमें नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल वो वहां के लोग थे, लोकल्स जी, लोकल्स बिल्कुल। थे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये हमारी गवर्नमेंट भी गलत कर रही है और अमेरिका भी गलत कर अमेरिका रहा भी है, गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन वाकयात वायलेशन कहां हो रही थी? इराक में। जी तो अब कहते हैं यार वो इराक में हो रही है, हमें क्या, हम यहां पे क्या देखते हैं अपने मुल्क में? अच्छा, मरने वाला शिया है तो शिया एहतजाज कर रहे हैं, जी सुन्नी है तो सुन्नी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर वो दूसरी तफरीक, जी पंजाबी सिंधी बलोची, हम उसमें ऐसे ही चले उसमें जाते भी हैं चले या जाते इसमें हैं। इसका कोई फायदा है? जैसे कि हम अपनी जो इंसानियत की जंग है जी उसको मुश्तरका तौर पर नहीं लड़ रहे। बिल्कुल अभी आप ठीक है। देख लें और सियासी जमातों का हाल देख लें, सभी कह रहे हैं महंगाई हो गई है, इकोनॉमी खराब हो गई है, जी ठीक है, ऐसे ही हो गया, हर कोई अपना इलाहदा एहतजाज कर रहा है, महंगाई पे भी मुत्तफिक नहीं है नहीं है, बिल्कुल कि ऐसे हम इस पे भी इकट्ठे होके बात करें। बिल्कुल भाई ठीक अगर भाई गवर्नमेंट को आपने रियलाइज कराना है कि आपकी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो हैं वो गड़बड़ हैं, बिल्कुल ठीक तो है, भाई जमात इस्लामी की महंगाई अपनी है, बिल्कुल ठीक है, नून की अपनी है, ऐसा ही है, पीपल्स पार्टी की अपनी है। अपनी है। तो मसलन ये क्या, मसलन आप जो लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं तो लीडरशिप वो मैसेज ही नहीं कन्वे कर रही आपके मुआशरे को, जी वो चीज ही, वो मेंटोरशिप जो है वो उनकी तरफ से नहीं आ रहा, नहीं आ रही, बल्कि बिल्कुल वो अपनी अपनी मस्जिद बनाने की, डेढ़ इंट की जो होती है कोशिश ना कर रहे हैं उसकी कोशिश कर रहे और हैं। वसूल इकतदार लिहाजा की जंग जो है कहीं, अगर बिल्कुल आप ऐसे ये ही कहें, मेरा नहीं ख्याल, मैं एक और चीज आपसे शेयर करूं, जी अब ठीक है हमने बड़ा अच्छा किया, वोट राइट दिया राइट अपने राइट ओवरसीज पाकिस्तानियों को,
ज़ाहिर बहुत कंट्रीब्यूशन भी है उनकी और उनका मुल्क के हैं, और भी मुल्कों ने दिया हुआ है अपने ओवरसीज को। लेकिन आप देखें कि आप इंडिया की ही मिसाल फिर ले जी लें, जी मोस्टली आप इंडिया में के लोगों को बाहर के मुल्कों में देखेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे, उन्होंने अपनी सियासी जमातों के वहां कोई विंग नहीं बनाए होते, सही है, हमारे हर एक के विंग बने हमारी हुए हैं, ऑपरेटिव बाहर से हो रही है अब तो। ठीक है, तो क्या है ये, क्या कि आप बाहर तो इकट्ठे बैठ जाओ यार सही है, मतलब वहां पे इकट्ठे, मैंने एक दो मुल्कों में जाके लोगों से बात की, वो नाराज हुए, जी मैंने कहा यार आप क्या बात करते हैं, हम जब यहाँ पे उनको लुक आफ्टर करते हैं तो जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें प्रोटोकॉल मिलता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इटली में मैंने देखा कि पाकिस्तानी अक्सर पुलिस अफसर जो हैं वो वहां पे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जी ठीक है, अब वो भी जाके ढूंढते हैं कि कौन सा पाकिस्तानी है जो हमें घुमाए फिराएगा, चलो ठीक है बिल्कुल दोस्त ठीक हो तो है, ठीक ठीक है, फिर वो आते हैं तो उनके लिए वो सरकारी गाड़ियां खोल देते हैं, बिल्कुल इसी तरह सियासतदान करते हैं, और इसी तरह बाकी जो मैं एक छोटे छोटे मुल्क हैं कुवैत यूएई बहरीन, वहां भी 6 पार्टियों के विंग बने, मतलब एक प्लेटफॉर्म में कोई पाकिस्तानी सोसाइटी के नहीं है, तौर पर रहना जो है ना, ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वो सारी बुनियाद ये है कि आपके मुल्क में पावर की बुनियाद पर इज्जत मिल रही है ऐसा ही है, या पावर की बुनियाद पे आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, लिहाजा जो आउटलुक बन रही है मुआशरे की वो खराब हो रही है, बिल्कुल वो ठीक है, फेस जो है हम बिल्कुल पेश कर ठीक रहे है हैं कि वो नहीं कर रहे। एक और चीज मैं आपको कहूँ जी कि जी जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बड़ी बड़ी अच्छे काम भी करते हैं, पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त वो वहां पे इंटरेक्ट उनका लोकल कम्युनिटी के साथ है वो बहुत कमजोर ठीक है। है। अच्छा मीर साहब, इसमें तो मैं एक लाइन ड्रॉ मैंने कर रखी हुई है, अभी आपसे पूछता हूँ ये सही है या गलत है इस बारे में जो है जी ओवरसीज के हवाले से, तो उस पर भी जरा बात करता हूँ, जरा डॉक्टर साहब का एक डॉक्टर इनपुट इस हवाले से जरा ले लें, मईशत से उनको बराह रास्त क्योंकि ताल्लुक है। ये कि जहां मौशरे में इस तरह के वाकयात हों या इस तरह की तरबियत हो तो फिर जाहिर है लीडरशिप यहीं से निकल कर आती है, और मैं इनको लीडर्स नहीं कहता, मैं इनको पॉलिटिकल एजेंट्स कहता हूं, या इनको पॉलिटिकल आप समझ लें कि जो भी इनको आप नाम दे दें, ये वो लोग हैं जो इस वक्त बैठे हुए, और लामाला अभी अगली हुकूमत बनेगी अगर कोई, तो ये आधे से ज्यादा वहां पर बैठे हुए होंगे, ये पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारियां आयद कर रहे होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जरा इस हवाले से बात करेंगे, ये जिम्मेदारी का मुजाहरा आखिर कब करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये बात शायद हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जराए अबलाग और ये सोशल मीडिया इसका इम्पैक्ट बड़ा गहरा है। मीर साहब और हम इसके ऊपर काफी प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि बड़ी दूर तक ये आपका पैगाम जाता है, पूरी दुनिया में आपकी जो तस्वीर बन रही है वो ये बन रही है कि जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं। अब यहाँ अलमिया ये है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बैठे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुल्क का दिवालिया तकरीबन हो चुका है या होने वाला है, कहा यह जा रहा है कि जाकर जो ओपोजिशन के पुराने केसेस थे उनको जाकर खोलो और मीडिया के सामने लाओ, फरमाइए ये मिजाज कैसा है? देखिए एक लफ्ज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, उससे पहले एक लफ्ज लफ्ज है एक्सेप्टेबिलिटी। अब ये है कि मैं अगर कुछ चीज रिस्पॉन्सिबिली तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ तो सोसाइटी में जो लोग हैं उनका भी हक बनता है कि उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली आपसे मैंने कहा था कि वो दोस्त रो रहा था क्यों, कि उसकी प्रमोशन क्यों हो गई, क्यों हो गई, उसने उसकी प्रमोशन एक्सेप्ट ही नहीं की। अच्छा, उससे इस बात से थोड़ा सा पहले हम आ जाते हैं, जो पिछला क्वेश्चन था आपका, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, ये बयान यूं भी हो सकता था, उसी मुआशरे के अंदर मलक अदनान साहब भी थे जिन्होंने उस बंदे को बचाने के लिए अपना आप उसके सामने पेश कर पेश दिया, कर दिया। ये है मेरा मुआशरा, ऐसा ही। तो मेरे परवेज खट्टर साहब ये कह सकते थे कि मलक अदनान जो है ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, जिन्होंने उस बंदे को मारा या थप्पड़ मारा ठुड मारा कुछ भी किया वो मेरा पाकिस्तान नहीं है, तो चीजें कुछ और होनी थी, ठीक है। अब ये है कि आप आ जाइए, हम बाहर की बात करते हैं, हमारे पास मैं समझता हूँ शायद कॉन्टेंट ही नहीं है, या कॉन्टेंट है ही नहीं है, या हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। मेरा अपना जाती ख्याल है कि मुआशरे के अंदर बहुत सारे कॉन्टेंट्स हैं, सिर्फ हमें तलाश करने की जरूरत है। मैं नॉटिंघम में था आज से, ये पिछले साल फरवरी की बात है, तो वहां एक गोरे ने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना, ऐसा ही वो जिस बल्कि वो उसमें फ्लैट में रहते थे, उसके जो उसकी चिमनी थी ना उसके अंदर गोश्त डाला उसने, और ये केस वाज द हार्ट केस इन नॉटिंघम, ठीक है, जैसे पूरे यूके में कोई बंदा मुझे बता दे कि पाकिस्तान को इसकी खबर है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं पता, ठीक है। वो लोग उनका उनका जो मीडिया है या वो लोग जो हैं वो इस बात में बड़े रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी खबर हमने बाहर आउट करनी है, कौन सी खबर हमने आउट नहीं करनी। अभी पिछले दिनों बर्तानिया के अंदर जो उन्होंने आर्मी को बुलाया, पेट्रोल का जो क्राइसिस था, कितनी खबरें छपी हैं यहाँ पे, बिल्कुल कितने प्रोग्राम लाइन थे, बहुत सारे लाइन मेरे ख्याल में, मैं एक्सप्रेस न्यूज पढ़ता हूँ उसके 3रे पेज के अंदर छोटी सी खबर उन्होंने लगाई हुई, जी जी ठीक है। आपका जो
ये वाकया हुआ है वो कि अच्छा नहीं, बहुत बुरा हुआ है, और ये आपको मैंने जैसे कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, जी आप जो जी जो इसके ट्रायल में पढ़ते जाएंगे आपको लग समझ जाएगी कि इन लोगों को हमने सजा कैसे देनी है, बिल्कुल ठीक कैसे है। इन लोगों को कवर करना है। क्योंकि रिसेंटली आपकी गवर्नमेंट ने सरेंडर किया है और आपको बात की समझ आ गई है सारी, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए था कि जितने हमारे मावन खसूसी हैं, चाहे वो सीएम के हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं, उनको चाहिए था कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते। लेकिन हमारे मावन खसूसी वो तो बेचारे आजकल जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उनके जो बेडरूम की बातें हैं वो टीवी के ऊपर कर रहे हैं, बिल्कुल क्या ऐसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। क्या इससे लीडरशिप आपकी आएगी? तो आप जब देखना जहां से रोल आपका शुरू होता है लोगों की जहन साजी करने का, वहीं बैठ के आप पुरतशद्दुद बातें करते हैं, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो उसके अंदर तशद्दुद वो बहुत बढ़ गया है, बर्दाश्त खत्म हो गई, बिल्कुल ये ठीक है। सारी चीजें किसने सिखानी है? ठीक है, अब जो ओवरसीज पाकिस्तान की बात हो रही थी, मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, जी जी बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, क्या आपने अपने लोगों को जो लोकल लोग थे उनको सारे राइट्स दे दिए हैं बिल्कुल जो ऐसा ही। समझ रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान की कमी रह गई थी? और फिर ऊपर आप टीवी के ऊपर आप ये भी कहते हैं जी मैं शबाज जो है वो यूके में जॉब कर रहे हैं, शबाज चाइना में जॉब कर रहे हैं, या राजा साहब जो है वो यूएसए में जॉब कर रहे हैं, या वो यूके में जॉब कर रहे हैं, उनकी सारी ही रहे पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल क्या क्या हो गया यार आपको? आप इस बात के बिल्कुल अंदर क्या क्या शो करवाना चाह रहे बिल्कुल हैं? ठीक है। हूरों की जगह माएं बहनें भी इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा ही है, बेटियां भी इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल थे। कर सकते आप थे। जब हूर की अपना उसकी सॉरी हीर की बात करते हैं दूसरे और इसका मतलब कि आप रांझे हैं, रंजा है, बिल्कुल ऐसा ही है तो ये चीजें जो है ना जो हमारे जी, अल्फाज हैं ये चेंज करने की जरूरत बिल्कुल है, ठीक है। इससे इसी से जहन जो हमारा बनना है। ठीक है, अब जो बात हो रही थी हमारी वो रिस्पॉन्सिबिल उसकी के इस तरह के वाक्यात जो हैं ये कब हम उसको खत्म करेंगे, ये कब हम इन बिल्कुल चीजों को ओन करना ओवरकम शुरू करेंगे? कैसे करेंगे, जब बस ये आप इसमें फर्ज करें टीवी के ऊपर आप आके ये कहते हैं कि जिन मुआशरों में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरे तरक्की नहीं करते, आप इंसाफ करें ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक, आप ये कहते हैं जनाबे वाला कि जिस मुआशरे के खवातीन जो काम नहीं करती मुआशरे तरक्की नहीं करते, अब खवातीन को काम करने के लिए इन्वायरमेंट तो बनाए। एनवायरमेंट तो नहीं, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। आप ये कहते हैं कि बच्चे जो हमारा वो असासा है, बच्चों को कितने केसेज बच्चों के मतलब मैं फीमेल की बात नहीं, बच्चों के कितने केसेज जो रेप के मतलब के वो बुनियादी रिकॉर्ड तालीम से होते ही हैं, महरूम है अब कितना क्या। कंट्रोल आपने किया है? ठीक, आप ये कहते हैं कि मुआशरे के अंदर इंसाफ भरपूर तरीके से होना चाहिए, कितने क्रिमिनल केस हैं, कितने कितने क्रिमिनल लोगों को आपने सजाएं दी हैं खुल के ताकि बिल्कुल वो नहीं, पता चले बाकी लोगों का हाँ जी मैंने गुनाह नहीं करना, तो खाली बातों से जो है ना सर वो चीजें नहीं अब नहीं होती। आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है, अब वो आप जैसे मीर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है उसमें बहुत सारी जमातें हैं वो बेचारी महंगाई के ऊपर मुतफिक नहीं है, वजह गवर्नमेंट कहती है पाकिस्तान के अंदर 9% इन्फ्लेशन पाया जाता है, मैं कहता हूँ 25 से 30% इन्फ्लेशन है, जो जो जमला अपोजिशन लीडर है वो कहते हैं जी 15% इन्फ्लेशन है, तो उनको कुछ फिगर इन्फ्लेशन का सही पता चलेगा तो कटे होंगे नहीं। ना तो आप आबादी का ही तनासुब पूछ लीजिए ना, जाकर अगर किसी से आप सवाल कर लें कि कितनी हो, कहेगा मेरा ख्याल है कि जी 20 करोड़ है, एक कहेगा मेरा ख्याल है जी 22 करोड़ है। आप समझे उसकी वजह कितनी यहाँ से जानबूझ के ये रखा गया, ये रखा अब गया आम रखा गया है। देखें एक बड़ी आम बात है, डॉक्टर साहब इसको यकीनन ऑब्जर्व किया होगा कि पूरी दुनिया में जो बलदियाती निज़ाम है जी। उसके अंदर हर यूनियन काउंसिल हो या टाउन काउंसिल हो उसमें पता होता है कि इस टाउन में कितने लोग कितने रह लोग रहे रहते हैं, हैं, बड़ा आसान ही है। ठीक है, कहाँ रहता है, कौन रहता है, बिल्कुल ठीक है, कौन पैदा हुए, कौन फौत हो गए, ऐसा ही तो सबका हर हिसाब रखा वक्त जाता है, अपडेट होते हैं वो बिल्कुल लोग। ठीक है। ठीक है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग हैं, ये एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है आज के डिजिटल दौर में बिल्कुल कि ठीक है। मर्दमशुमारी होगी, फलां होगा, भाई आपको टाउन वाइज आप सिस्टम बनाएंगे तो हर चीज जो है वो आपके पर टिप्स पे बिल्कुल ठीक है, होगी, बिल्कुल तो ठीक है। फिर आपको पता होगा कि आपको कितने वसाइल चाहिए, क्या चीज चाहिए, कंट्रोल करना भी आसान होगा। दुनिया की छोटे से छोटा मुल्क भी जो है ना जी वो इस सिस्टम के बगैर नहीं नहीं चल है। सकता, बिल्कुल अब ठीक छोटा है सा ही है ना, इसराइल छोटा सा है, हॉलैंड छोटा सा है जी और जी हांगकांग छोटा सा, वहां पे भी ये सिस्टम चल रहे सिस्टम हैं। राइज है, बिल्कुल आप ठीक है इसलिए नहीं करते जो मैंने पहली बात की, जी मौरूसी नहीं। सियासत, वो पावर शेयरिंग नहीं करना चाहते, बिल्कुल ठीक है, वो वेल्थ शेयरिंग नहीं करना नहीं करना चाहते, चाहते हैं। इसलिए उनके ख्याल में यही है कि हम जिस तरह ये सोसाइटी को रखेंगे ना यही हमें, ये कॉलोनियल सोच है ना, बिल्कुल ऐसा तो ही है, कॉलोनीज में ऐसे ही होता बाय था ना प्रोडक्ट ही है ना कि भाई उनकी तो आपने सारी, बिल्कुल प्रिंसली स्टेट टाइप किस्म की, वही बात है ना, तो प्रिंसली स्टेट है जी, एक एक स्टेट में यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील में फलां खानदान है, जी एक जी तहसील में फलां है, जी और जो आपके कर्ता धर्ता है मकतदरा कुवते हाँ बिल्कुल ऐसा उनको ही भी मेरा ख्याल है कि वो भी इस चीज पे शायद इन्हीं लोगों के साथ डील करने में खुद को जो है वो अफीयत समझते हैं जी और आसानी समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिहाजा जी ये फ्यू लोगों के साथ हम बात कर लेते हैं तो हम हैंडल कर लेते हैं, पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक की तो वो आएगी, आप बिल्कुल ठीक उनका रिएक्शन भी आएगा, नई सोच भी आएगी और बहुत से लोग भी आएंगे
लिहाजा उसको हैंडल करने की बजाय फ्यू पीपल से बात कर लो, बिल्कुल ठीक है, तो वो फ्यू पीपल जो है वो कंट्रोल होने आसान है, बिल्कुल ठीक है, जैसे ऐसा ही प्रिंसली स्टेट कंट्रोल हो जाती थी ना, हो इसी तरह ये भी ये अप्रोच तो वही है ना, बिल्कुल डॉक्टर भी फरमाइएगा कि अब इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर तो हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या इतने ज्यादा पेचीदा है मामला जो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये डिमांड सप्लाई का अगर कोई इशू है, आपने देख लिया आपके सप्लाई साइड पे इशू सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि आपकी मिसमैनेजमेंट है, अगर आप उसको ठीक कर लें तो आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली चक्कर क्या है, मैं बार बार पूछता हूँ कि आप विल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, एक्चुअली है क्या मसला, ये तो फरमाइए, क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं, क्योंकि जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा इस वक्त ये लोग कर रहे हैं, ये लोग से मुराद ये कि जितने भी लोग हैं, चाहे सूबाई हुकूमतों में, वफाकी हुकूमतों में, किसी भी सतह पर मौजूद लोग हैं, किसी एक के रवैये से ही नहीं लगता कि मसाइल हल करने की अहलियत रखते हैं। यहाँ सवाल में उठा रहा हूँ अहलियत के ऊपर, फरमाइए। देखें ये बात फिर वही आ जाती है जो हमने अभी मीर साहब कह रहे थे कि हमें जो लीडरशिप होती है वो अपनी ज़ात से आगे सोचती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो नस्लें होती हैं उनका उनका जो फ्यूचर है उस लीडरशिप के हाथ में होता है, हमारे यहाँ अभी पीछे दिनों एक सर्वे हुआ है, मतलब कि आप अक्सर जो है वो हुकूमत से ये कहते सुनते हैं, क्योंकि मेरे टीचर सब कहते हैं कि थोड़ा अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी, तो एहतियात ज़रा इस्तेमाल किया करो, तो मैं कहा ठीक है, हुकूमत के कारकर्दगी जो है उसके बारे में भी सर्वे हो, जिसमें 87% लोगों ने ये कहा है कि हुकूमत की डायरेक्शन जो ठीक नहीं या पाकिस्तान की डायरेक्शन जी ऐसा ही है, मैंने देखा है वो सर्वे, लेकिन आप मुझे बताएं कि कोई हुकूमत का फर्द ये बात मानने को तैयार है, उस सर्वे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा देगा जो उसके हक में नहीं, कहते हैं कि पास में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा, अब ये कलादीन का चिराग आया है, हमारे बड़े ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 15 रोज के अंदर महंगाई खत्म हो जाएगी, अल्लाह करेगा, क्योंकि वो अब देखें कब वो रगड़ते हैं तो कब वो जिन बाहर आता है, तो सारी देखो जिन नहीं आएगा, वो जो जितने गरीब हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। साथ अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो था जब हमारी हुकूमत आई थी तो ये दिवालिया होने के करीब था, ये बड़ी सारी गवर्नमेंट्स कहती हैं, ठीक है, हमने आके इसको जो है ना वो राइट ट्रैक पे लेके आए, कितना राइट ट्रैक पे लेके आए, जब गवर्नमेंट दी थी हमने आपको 105 का था डॉलर, अब 180 पे चला गया, और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये दिसंबर खत्म तक 200 पे जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जब आपको गवर्नमेंट हमने दी थी उस वक्त ऑलमोस्ट 70-75% रुपीज था जो पेट्रोल था पर लीटर, अब कहाँ पे चीजें चली गई हैं, ठीक है, आप जब वही वही बात, जब आप अपने मसाइल को ऊन नहीं करते ना तो फिर यही सूरत हाल होती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि मुल्क बड़े अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, लोग रो रहे हैं, ये पाकिस्तान में अलमिया आ गया है कि लोग अपने बच्चे बेच के अपने किचन का खर्चा जो पूरा कर रहे हैं, और ये इतनी कुछ ज्यादा वो चीजें नहीं है जिसकी समझ ना है, वो रॉकेट साइंस नहीं है, बस चीजें इनको जैसे गवर्नेंस, आप जब एक बात बोलते हैं आपके उस बात में वजन इतना ज्यादा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक नीचे जो अदारे हैं ना आपके वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है, जैसे मीर साहब की बात आ रही थी उसमें कि वो पावर और रिस्पेक्ट जो है ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट, पावर इज पावर, बट व्हाट वी हैव सीन नाउ, इन्होंने इस चीज को इतना पेचीदा कर दिया है कि उनको पता है कि पावर इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज पावर, रिस्पेक्ट इज पावर, तो इन चीजों से बाहर निकले आप, बिल्कुल ठीक है, आप जैसे अब मैं कहता आप ये भी कह सकते थे कि मलकदान जो है मेरे मुआशरे का चेहरा वो है, जी, जी। आप ये सोचे ना कि अगर मैं आप ये क्यों आप डंडोरा पीट रहे हैं या आप नया डॉक्ट्राइन जो है वो मुल्क के अंदर छोड़ रहे हैं, ये पीछे 30 साल में इकॉनमी खराब हुई है, इसको ठीक करते करते 5 साल तो नाकाफी है, तो हमें को 10 साल दिए जाए, आप इन 5 सालों में इतना काम कर लेते कि आप ये बात कहने की जरूरत ही ना पड़ती, जरूरत लोग खुद जो है वो आपके बारे में राय कायम करते, और मैंने अक्सर ये मीडिया के ऊपर देखा कि लोग मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, गवर्नमेंट के बहुत आला ओहदों पर लोग जो बैठे लोग गालियां निकालते हैं, ऐसा ही ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी, आप बजाय ये कहें जी वो कराची में इन्फ्लेशन ज्यादा है और मुझे तश्वीश है उसके ऊपर, हैदराबाद में इन्फ्लेशन ज्यादा है उसके ऊपर मुझे तश्वीश है, आप मेरे डस्का की बात क्यों नहीं करते, आप मेरे सियालकोट की बात क्यों नहीं करते, आप मेरे इस्लामाबाद या पिंडी की बात क्यों नहीं करते, क्या आपको यही दो शहर जो है वो नजर आ रहे, सिर्फ ये है कि गंदा करें कभी सिंध प्रोविंस के जो लोग उनको गंदा करें, कभी पंजाब के लोगों को गंदा करें, तो आप एक लीडर हैं, आप बाप हैं पूरे मुल्क के, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बाप कहता हूँ, बाप है पूरे मुल्क के, मुझे बताएं कभी 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 बाप जो है वो अपने बेटों के बारे में इस तरह बात करता है, मुमकिन नहीं, तो वही बात है कि जैसे मैं कह रहा था कि उसने कहा कि मैं रो इसलिए ला रहा हूँ कि उसकी प्रमोशन क्यों हो गई, ओके मिसाब, अब बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन ये है कि वक्त जो है वो सेगमेंट का खत्म हो गया, और आपसे एक और मामले पर मौजू पर जो है वो गुफ्तगू करनी थी, वो गुज़िश्ता दिनों हमने सुना एक जगह कि एक तकरीब में बहुत सारे वज़रा और बहुत सारे जो है वो मुशीर मौजूद थे, सारी दुनिया से वहाँ पर लोग आए हुए थे, तो वहाँ पर जनाब पाकिस्तान से जो वज़ीर साहब थे वो मुलाकात उनकी हुई, वो अफगान वहाँ पर एक वज़ीर से उनसे पूछा जी आपके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरे पास जो है वो बहरी उमूर की जो है वो मिनिस्ट्री है,
तो कहने लगे अफगानिस्तान में बैरी उमूर का क्या काम है, समंदर तो इधर है कोई नहीं। तो उन्होंने कहा आपके पास भी तो कानून की वजारत है, तो ये है जो है हमारा मसला है, इंशाल्लाह इसके ऊपर आपसे जरूर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक हमें लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जो है वो हमें दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा। दीगर मामला है सर, बहस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग कराची।